दोस्तों आज मैं आपको कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं, और भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इस एप्लीकेशन के अंदर आप एक रेफरल पर 750 रुपए कमा सकते हैं, और भी बिना कुछ पैसे खर्च किए। आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और बिल्कुल सुरक्षित है, तो इसमें आपके साथ फ्रॉड होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो दोस्तों जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, उस एप्लीकेशन का नाम है ICICI डायरेक्ट, जिसके अंदर आपको पर रेफरल 750 रुपए मिलते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन से बहुत सारे लोगों ने 1000 रुपए कमाए हैं, और आप भी कमा सकते हैं। बस आपको किसी को रेफर करना है और आपको पर रेफर 750 रुपए मिल जाएंगे। इसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए बस आपको 3 चीज चाहिए, पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड। दोस्तों ये कंपनी सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप इस ऑफर का जल्दी से जल्दी लाभ उठा लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। ये बिल्कुल लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसलिए आप इस वीडियो को जब भी देखें तभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और रेफर करके पैसा कमाना शुरू कर दीजिएगा। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 750 रुपए कैसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, 250 रुपए आपको तब मिलते हैं जब आप किसी को रेफर करते हो और वह अकाउंट को क्रिएट कर लेता है, तब आपको 250 रुपए मिल जाते हैं। और बाकी के 500 रुपए आपको तब मिलते हैं जब वो अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का ट्रेड कर लेता है, तब आपको 500 रुपए और मिल जाता है। इस तरह से आपको टोटल 750 रुपए मिल जाते हैं। अब दोस्तों क्या है ना, कुछ लोग फर्स्ट ट्रेड और ट्रांजेक्शन के नाम से डर जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको 10-20 रुपए का छोटा सा ट्रेड करना है और बाद में उसको निकाल लेना है। बस आपको 10-20 रुपए का कोई शेयर खरीदना है, उसको वापस सेल कर देना है, तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, आप उनको वापस निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल्ड तरीके से वीडियो में बताऊंगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मार्केट में इसके नाम से बहुत सारी फेक एप्लीकेशन चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ओरिजिनल लिंक दी गई है, जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको इसके अंदर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे सारा प्रोसेस करना है। तो आपको यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, और आप देख रहे होंगे हम ICICIdirect.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली गेट OTP पे क्लिक कर देना होगा। गेट OTP पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव हो जाएगा। OTP एंटर करने के बाद से आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप यहाँ देख लेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साइन इन विद गूगल और नीचे आई वुड लाइक टू यूज अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। तो आप अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस चूज कर सकते हैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करके। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में जो यहाँ पे ईमेल आईडी होगा वो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, और उसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद से आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको अपनी ईयर और मंथ चूज कर लेनी होगी। दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिसीव अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। तो अगर आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप से ही जुड़ा हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे से आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, वी लेट यू यूज एनी बैंक अकाउंट फॉर इन्वेस्टिंग। तो आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका बैंक ICICI में है तो आप ICICI सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक है तो आप उसे एनी अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ICICI के अंदर ही है, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहने दूंगा। और उसके बाद से सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो आपका बैंक अकाउंट है आपके नाम से ही होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नया पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे लिख के आ गया है, हाई प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी यूजिंग आधार कार्ड एंड डिजी लॉकर। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा, उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कंसेंट देना होगा। कंसेंट देने के बाद से सिंपली प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और आप देख रहे होंगे हम डिजी लॉकर के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव हो जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। OTP एंटर करने के बाद से आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना होगा और अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। अलाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे हमारी डिटेल आ गई है। यहाँ पे जो हमारा नाम है वो यहाँ पे शो हो गया है, और यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है उसमें जो फर्स्ट लेटर है लास्ट लेटर है वो यहाँ पे शो हो गया है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नीचे से हो जाएगा, आपको सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा। एक्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली
सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे एक फिर से नया पेज आपको देखने को मिलेगा, हे चूज योर डीमैट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओपन न्यू आईसीआई डीमैट अकाउंट, यूज एक्जिस्टिंग आईसीआई डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पास कोई अकाउंट पहले से ही आईसीआई का डीमैट अकाउंट तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रेश आईसीआई पे डीमैट अकाउंट बना रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा, हे ओपन न्यू आईसीआई डीमैट अकाउंट। आपको सिंपली एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू गेट अ फ्री स्टॉक। और यहाँ पे मैं फ्री में ETF वर्थ 200 रुपये का भी मिल चुका है स्टार्टिंग में ही, और उसके आगे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाले हैं, और उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। उसके अलावा आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन, आपको सिंपली यस पे क्लिक करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक और पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले फादर नेम, जेंडर और योर मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल आपको सेलेक्ट करनी होगी। एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करके आप अपना एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, हैज सेबी टेकन सम एक्शन अगेंस्ट यू इन द पास्ट, आपको नो पे ही रहने देना है। उसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनेंशियल डिटेल का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है योर ऑक्यूपेशन का, यानी आप क्या काम करते हैं, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना होगा और जो भी आप काम करते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर एनुअल इनकम का, तो आपका एनुअल इनकम कितना है उससे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाउ डू यू वांट टू कॉन्टैक्ट डिलीवरीज, तो आपको यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहने देना है, ईमेल वाला ही। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे प्राइमरी सोर्स इनकम का क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा, तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, वुड यू लाइक टू OTP फॉर एनी आवर स्पेशल ब्रोकरेज प्लान, तो आपको सिंपली नो आई विल OTP लेटर और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे से क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा गया है वी विल नाउ वेरीफाई योर आइडेंटिटी वी आर फोटो वेरीफिकेशन, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आई एम यूजिंग मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप कैमरा, तो आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन रहने देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक परमिशन अलाउ करना होगा। अलाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो कैमरा है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, आपको जो अपनी फोटो लेनी है गुड लाइटिंग के अंदर लेनी है, और अपने चश्मे को नहीं लगाना है, कैप को नहीं लगाना है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से फोटो लेनी होगी, उसके लिए सिंपली आपको नीचे आना होगा, प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से अलाउ पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको अपनी फोटो ले लेनी होगी, तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे फोटो ले ली है और फोटो हमारी यहाँ पे मैच हो गई है। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे से आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो लास्ट में कुछ इस तरह से एक पेज आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द लास्ट स्टेप, जस्ट ईसाइन दिस एप्लीकेशन, टेक्स अ फ्यू सेकंड, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंसेंट देना होगा और आपको ईसाइन करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको आई एक्सेप्ट एंड ईसाइन पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे हम NSDL के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं, रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपली कंसेंट देना होगा और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, देन आपको सिंपली सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और देन आपको सिंपली वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे लिखे आ गया है अर्न 750 फॉर एवरी फ्रेंड यू रेफर टू ICICI डायरेक्ट, रिडीम नाउ, रेफर नाउ। आपको करना क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली 24 आवर वेट कर लेना होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे ICICI डायरेक्ट की ओर से आपका यूजर आईडी पासवर्ड रिसीव हो जाएगा और उसकी हेल्प से आपको सिंपली लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट है 24 घंटे के अंदर अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे को एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट पे आना होगा या एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर ही यूजर आईडी सेलेक्ट कर रखा है। और जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। आते हैं तो प्ले स्टोर से ICICI डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे आप ओपन करेंगे, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस आइकन पे क्लिक करना होगा। इस आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे यूजर आईडी में अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था बनाया था उसे यहाँ पे एंटर करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा और आप इस एप्लीकेशन से ही सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी के अंदर आपको ट्रेड करना है, इसी के अंदर आपको शेयर बाय करना है, सेल करना है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको ICICI का एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। रेफर करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा।
फ्रीलांस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेफर एंड अर्न न्यू का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ देख रहे होंगे रेफर अ फ्रेंड एंड अर्न 750 फॉर ईच सक्सेसफुल रेफरल। तो आप यहाँ पे एक एक रेफरल करके 750 रुपये कमा सकते हैं। दो रेफरल करते हैं तो आप यहाँ पे इजिली दिन के 1500 रुपये मिल जाते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे आप यहाँ पे रेफर करते हैं और जो आपका फ्रेंड है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर लेता है तो आप यहाँ पे 250 रुपये मिलते हैं। और जैसे वो कोई ट्रांजेक्शन करता है, जैसे मान लीजिए कोई शेयर बाय करता है 500 रुपये का, तो आप यहाँ से 500 रुपये मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको रिपीट करना नहीं है कि जिसे भी आप रेफर करें अपने फ्रेंड को दोस्त को, उसे आपको सिंपली बोलना है कि भाई अकाउंट ओपन होने के बाद तू एक 50 रुपये का या 20 रुपये का 10 रुपये का शेयर खरीद ले और उसे एक दो दिन बाद सेल कर दे। इस तरह से आपको यहाँ पे टोटल 750 रुपये मिले। तो इस तरह से आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट 24 आवर्स के अंदर एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपका फर्स्ट ट्रेड कैसे करना है और कैसे अपने दोस्तों से करवाना है। तो ट्रेड करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत भी नहीं है, आप ट्रेडिंग सिर्फ 15 20 25 रुपए से भी शुरू कर सकते हो और भी आपको वापस रिफंड हो जाते हैं, जिसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आपको यह चीज सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे के बीच ही करनी है, नहीं तो आपकी प्रोसेस फेल हो सकती है। चलिए आगे इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, बिल्कुल 5 मिनट का काम है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एड मनी करना होगा, मैं यहाँ पे 100 रुपीज का एड मनी कर देता हूँ। इसके दोस्तों आपको होम पेज पे आ जाना है, ऊपर दोस्तों आपको 3 लाइन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको आ जाना है ट्रेड एंड इन्वेस्ट में, यहाँ पे दोस्तों आपका जाना है एलोकेट फंड्स पे और यहाँ पे दोस्तों आपको ऐड फंड्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट लिखना होगा कितना आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे 100 रुपीज लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा, तो यहाँ पे मैं UPI चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे मैं अपनी UPI लगा देता हूँ, दोस्तों मैं यहाँ पे UPI लगा दी, यहाँ पे वेरीफाई एंड पे पेमेंट क्लिक कर दिया। इसके बाद मेरे यहाँ पे पेटीएम पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और 100 रुपीज जो है यहाँ पे दोस्तों मैं सक्सेसफुली पे कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह मैं यहाँ पे पेटीएम पे आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों 100 रुपीज यहाँ पे मैं पे कर दूँगा, यहाँ पे दोस्तों मैंने पिन डाल दिया। इसके बाद दोस्तों 100 रुपीज जो है यहाँ पे सक्सेसफुली पेड हो चुका है। दोस्तों मैं एप्लीकेशन में आता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपीज जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दोस्तों आपको कैसे ट्रेड करना है आपको बताता हूँ, आपको फिर से होम पेज पे आ जाना, ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे दोस्तों ट्रेड एंड इन्वेस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है, इक्विटी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टेंट आपको ट्रेड करना है। अभी करोगे आप अभी वापस भेजोगे, यहाँ पे आपको मार्जिन सेल पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे NSE चूज करना है, इसके बाद आपको स्टॉक चूज करना है IDECL। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको क्वांटिटी चूज करनी है, मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, यानी कि 50 रुपीज से ऊपर हो जाएगा, तो 7 मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस पे मैंने क्लिक कर लिया, इसके बाद बाय नाउ का ऑप्शन दोस्तों इस पे आपको सीधे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका मतलब कितना यहाँ पे पेमेंट बन चुका है, आपका यहाँ कितने का ट्रेड बन चुका है 56.70 रुपीज। यहाँ पे आपको ऐड पे सीधे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक इस पे आपको सीधे टैप कर लेना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे टैप करोगे आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों इंस्टेंटली आपका ट्रेड यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इसकी स्टेटस एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको इंस्टेंटली कैसे आपको इसको सेल करना है और कैसे आपको विड्रॉ करना है आपको मैं दोस्तों वो भी बता, आपको दोस्तों फिर से बैक आ जाना है, यहाँ पे दोस्तों इक्विटी पे आ जाना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो मार्जिन सेल का ऑप्शन है इस पे आपको अभी टैप करना होगा। तो जैसे आपने दोस्तों इस पे क्लिक कर लिया ऊपर आपको दोस्तों NSE चूज करनी है, यहाँ पे दोस्तों आपको स्टॉक IDECL लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपकी क्वांटिटी जो आपने बाय की 7 इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको सेल नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको ऑर्डर बुक इस पे आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे जो आपका ट्रेड है वो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब दोस्तों आपको जो पेमेंट है आपके अकाउंट में यहाँ पे आ चुका हो। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, यहाँ पे दोस्तों ऊपर फिर से आपको ट्रेडिंग में आ जाना है, यहाँ पे एलोकेट फंड्स पे आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो आपका जो यहाँ पे बैलेंस है वो यहाँ पे कुछ शो करेगा, यहाँ से दोस्तों आप आसानी से यहाँ से इसको विड्रॉ भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं और आसानी से पैसे कमा सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @ParveenSinghOfficial, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, खम्भा गणी, जय हिंद।